हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज हम अपने इस नए क्लास में क्या देखने वाले, वो हेडिंग तो आपने देख ही लिया होगा और आइडिया भी आपको लग ही गया होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो आपकी एग्जाम मार्च 2022 वाली होने वाली है 28 मार्च से, उसमें स्टेट्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप कंटिन्यूसली एक ईयर से पढ़ रहे हैं, स्टेट्स का जो सिलेबस है वो काफी लेंदी है। लेंदी इन द सेंस कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। अब हर बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि क्या सर हम सारे क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करें। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस पेपर के एक्सपीरियंस से, यानी जो प्रीवियस पेपर हुए हैं और साथ ही साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसकी दोनों की हेल्प लेके मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है, राइट। जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप इन क्वेश्चंस को तो जरूर सॉल्व करें। बाकी आपके पास टाइम रहता है, आपका मन करता है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चंस है जो आपको कंपलसरी सॉल्व कर ही लेना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट बचाना रह जाए। जैसा कि इसके पहले मैंने अकाउंट के बारे में बताया था और उसका फीडबैक बहुत अच्छा मिला है, बच्चे काफी खुश हैं। उनके स्कूलों में जो एग्जाम हो रही है और वो जो टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लगभग उन चीजें कवर हो रही है। काफी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थे, टेलीग्राम में भी आए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया था और यूट्यूब पे कमेंट में भी आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टेट में भी आपके लिए ये जो है बेनिफिशियल साबित होगा और जितना मैं उम्मीद करता उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो स्टेट का अगर ये अकाउंट अगर आपको देखना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो पेपर पैटर्न आपका होने वाला है, जिसको मैं बोलते हैं ब्लू प्रिंट, कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, ये सारी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीवियस जो भी वीडियोस थे उनका इन्फॉर्मेशन और उनके बारे में थोड़ी फीडबैक। अब स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेटिस्टिक्स का और समझते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बना के आपको लिख लेना है। ये बात आपको लिखना है कि देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन तो काफी एड किए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन को करना ही है। रीजन मैं समझाता हूँ, इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पेपर इसमें जिसमें सोल्यूशन का जो पैटर्न है वो सेम होगा, राइट। सॉल्यूशन का पैटर्न सेम होगा, जिसमें फॉर्मूला सेम लगने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सेम होंगे, राइट। मतलब हो सकता है कि अमाउंट में थोड़ा सा चेंजेस हो बट बाकी सब सेम हो। तो आपको ये इन चीजों को भी ध्यान रखना है और उन क्वेश्चन में से, जैसे मान लीजिए दो क्वेश्चन सेम सेम लग रहे हैं, आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है इतना। तो ये दिमाग में मत रखना कि सर ने बहुत सारे क्वेश्चन लिखवा दिए तो इतना सारा कैसे करेंगे, वैसे ही इतने सारे बुक में दिए हैं, ये तो सर ने पूरी बुक टिक करवा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जो मुझे क्वेश्चन को लगा कि हाँ भाई ये जरूरी है जानना और जो पेपर में मुझे दिखे, मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी है, राइट। बाकी कुछ क्वेश्चन अगर आपको सेम लगते हैं तो आप उनको इग्नोर कर सकते हो या दो में से किसी एक को बढ़िया से सॉल्व कर लो, दूसरा वाला से पेपर देख लो, क्लियर है इतना। और ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए और गुजराती, तीनों के तीनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काम आ जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 का, कि जो चैप्टर्स के नंबर है वो तो सेम रहने वाले हैं, एक्सरसाइज के नंबर सेम रहने वाले, एग्जाम्पल्स के नंबर सेम रहने वाले। अगर मैं क्वेश्चन का नाम बोल देता हूँ इंग्लिश में या हिंदी में या गुजराती में तो डेफिनेटली अदर मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, दैट्स व्हाई वो सारी जो फॉर्मेलिटी वो यहाँ पे मैंने नहीं रखी है, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, अब स्टार्ट करते हैं, देखते इसमें क्या क्या चीजें मेरे को पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। ये अभी हम फिलहाल डिस्कस करने वाले पार्ट वन की, ओके। अच्छा, ये वीडियो देखने से पहले आप स्टेट का जो ब्लूप्रिंट है उसको जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं ना, वो आपको ये आइडिया लग जाएगा भाई कौन से चैप्टर्स में से कैसे क्वेश्चंस हैं। तो हमें वही क्वेश्चंस सीख है तो उनको कितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, वो कितना मार्क्स का वेटेज रखता है तो उनको उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा आइडिया ना लग रहा हो कि ये मैंने कभी किया नहीं तो मुझे नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या उनको इग्नोर कर सकते हो, क्या उनको छोड़ के आप दूसरे चैप्टर पे फोकस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको तभी आइडिया लगेंगी जब आप ब्लूप्रिंट आपको पता होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप कर लेंगे। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पे मुझे जब चाहे तब पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि विद इन अ मिनट में आपको रिप्लाई करूँ। जैसे मुझे मैसेज का नोटिफिकेशन आता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो फिलहाल समझते हैं इसमें, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर वन की। तो चैप्टर नंबर वन में आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और उस एग्जाम्पल्स में कौन कौन से नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8, 10, 11, 18, 20, 21, 23 and 24। अच्छा, 24 में ये शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 4, 5, 6 और 8 है, ओके। तो ये आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। उसके बाद जब मैं बात करूंगा एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में 1.1 में 2 and 3 दो ही क्वेश्चन है, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 and 4, 1.3 में
2, 4, 5 and 6 यानी 4, 2, 6, 2, 8 एक्सरसाइज में से टोटल सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कि बात करते हैं हमारा जो लास्ट में दिया रहता है एक्सरसाइज लाइक सेक्शन ए बी सी डी ई एफ करके दिया रहता है उसमें कितना सॉल्व करना है। तो उसमें अगर यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में 7, 10, 11, 12 and 14 सेक्शन डी में बात करते हैं तो 7, 13, 14 सेक्शन ई में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 and 3 है एंड सेक्शन एफ में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 10 है राइट। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। अब एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे नोट के तौर पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। नोट के तौर पर ये आपको याद रखना है जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या होने वाला है, उसमें टोटल 20 मार्क्स का, ठीक है, उसमें टोटल 20 मार्क्स का आपको क्या आने वाला है, एमसीक्यू आने वाला है और 10 मार्क्स का आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे टोटल आपके कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया तो हमने सेक्शन ए और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सेक्शन ए और बी के बारे में मैंने कोई जानकारी इसलिए नहीं दी है कि आपको करना क्या है, आपको ये जो दो सेक्शन यानी हर चैप्टर में लास्ट में आपके दो सेक्शन होंगे सेक्शन ए एंड बी, तो वो आपको कंप्लीट करना है, ऑल जितने पॉइंट है जितने क्वेश्चन है आपको सारे कवर करने हैं, क्लियर है। क्योंकि ये 30 मार्क्स जो है वो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे एक ही चैप्टर का सॉल्व करो, कोई नहीं कहता कि एक साथ पूरा कर लो। आपने स्टेट्स पढ़ा होगा अगर साल भर में तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में आप 2-3 चैप्टर का कवर कर सकते हो तो 2-3 का कवर करना, बाकी क्वेश्चंस की थोड़ा 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 हर चैप्टर में से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो, डेली बेसिस पे पेपर सॉल्व करते रहो, ठीक है। ये सारी चीजें आप करते रहोगे तो आपका बेनिफिट होगा एंड डेफिनेटली आराम से आप 90+ क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो ये नोट आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट है, ओके। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल नंबर 6, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 27 and 29 इतने एग्जाम्पल्स करने हैं। फिर मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 राइट, इतने आपको क्या करने हैं यहाँ पे एक्सरसाइज में 2.2 में से सॉल्व करना है। फिर बात करते हैं 2.3 में, तो 2.3 में आपको फर्स्ट एंड फिफ्थ सॉल्व करना है। फिर एक्सरसाइज में बात करते हैं यानी जो सेक्शन ए बी सी डी वाला है उसमें अगर बात करते हैं तो सी डी ई एफ, सी में 11, 12, 13, डी में 5, 7, 11, 12 एंड ई में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 4, 6 and 9 क्लियर है इतना। अच्छा एक बात अगर आपने नोटिस किया होगा दो चैप्टर के बारे में, जैसा मैंने यहाँ पे काउंटिंग आपको बता दिया, तो दो चैप्टर के बाद आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन है ऑलमोस्ट यहाँ पर भी उतना ही हो रहा है। देखो यहाँ पे जितने नंबर दिख रहे ना ऑलमोस्ट यहाँ पर भी उतना ही दिख रहा है। तो जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस आपको सेम लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न सेम होगा, तो वो आपको तभी आइडिया लगे जब ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी बुक में टिक करेंगे, चैप्टर वाइज देखते जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाए भाई कौन से चैप्टर कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड है या कौन सा एग्जांपल और एक्सरसाइज का सेम है, तो आपको उनको सॉल्व नहीं करना है। यानी देखा जाए कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं उसमें से लगभग 30% से ज्यादा क्वेश्चन, देखिए मोर देन 30% जो क्वेश्चंस है वो अपने आप कट हो जाएंगे राइट। यानी देखा जाए तो इसमें भी सिर्फ आपको 70% ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा राइट। और 70% क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आप 90+ ला सकते हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लो ना, क्या दिक्कत है राइट। बात समझे कि नहीं समझे, कहां आपको पूरी किताब सॉल्व करनी थी, कहां यहाँ पे मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया है और उस सिलेक्टेड क्वेश्चन में भी आपको 70% ही सॉल्व करना है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा स्माइल करते रहना, हंसते रहना और पढ़ते रहना, डेफिनेटली आप क्रॉस कर लेंगे राइट और अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में 4 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 10 and 14। और बात करते हैं एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले 3.2 की बात करते हैं, यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्सरसाइज में सेक्शन सी में बात करते हैं तो 3, 4, 6 डी में 8, 9, 10 सेक्शन ई में 5 and 5 फिर सेक्शन एफ में सॉरी 3 and 5 एंड सेक्शन एफ की बात करते हैं तो 4, 5 and 7 राइट। यहाँ पे थोड़े कम क्वेश्चन है इस चैप्टर में क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और 3 जो है ऑलमोस्ट रिलेटेड है, इसलिए चैप्टर नंबर 2 अगर आप सॉल्व करते हो तो 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। बस इसमें आपको थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो कहीं ना कहीं 2 and 3 के बेस पर ही डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे देखोगे तो आप क्वेश्चन के नंबर जो है वो काफी कम है लेकिन जो वेटेज है वो सेम है। नंबर्स कम है तो क्या हुआ लेकिन वेटेज क्या है सेम है। तो एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो 4, 7, 8, 9, 10 और 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4
4.3 में क्वेश्चन नंबर 4 एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। ये बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है, सेक्शन ई और एफ में दोनों में ही क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्लियर है। तो ये है आपका पार्ट वन का टोटल क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप इसको बुक में टिक कर लो और आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है कितना नहीं करना है, तो आपके लिए पेपर प्रिपरेशन में जो है वो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट टू की, जो थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि पार्ट टू में कहीं ना कहीं पार्ट वन में जैसे फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है, इसमें टेक्निकल बेस्ड है, मतलब ये आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर वन की, जो प्रोबेबिलिटी है यानी संभावना है, इसमें क्या करना है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन मैंने टिक किए हैं और लगभग देखो जितने क्वेश्चन है लगभग कोशिश करना कि एक बार सॉल्व जरूर कर लेना, जो रिपीटेड है उनको छोड़ देना, जो सेम नहीं है उनको एक बार जरूर सॉल्व करना, वो भी बढ़िया से सॉल्व कर लेना, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं 13, 14, 15, 16, 17, ये एग्जांपल्स हैं, 20, 22, 23, 24, 25 एंड 26, इसमें कई सारे एग्जांपल्स जो है ना वो आपके डिक्टो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपके पास पेपर होगा, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की मेरे पास पेपर था, बट सडनली कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो पेपर पता नहीं सब मेरी जो बुक थी वो इधर उधर गायब हो गई, वो पेपर भी शायद उसी में गायब हो गया होगा। अगर आपके पास पेपर हो प्रीवियस ईयर का या आपके किसी फ्रेंड के पास, तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर सेंड कर देना ताकि मैं बाकी बच्चों को भी बता पाऊँ, लेकिन मुझे चीजें याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है इस चैप्टर में से वो डिक्टो पूछे जाते हैं, स्पेशली वो वाले जैसे ऐसे क्वेश्चन है ना, पी ऑफ ए इज इक्वल टू इतनी वैल्यू है, पी ऑफ बी की इतनी वैल्यू है, तो ए ए बाई बी की ये वैल्यू है, तो फाइंड आउट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे वाले क्वेश्चंस को तो आप 100% सॉल्व करके जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं अब एक्सरसाइज की, तो 1.1 में 13, 14, 15 है, 1.2 में 3, 10, 11, 12, 13, 15, 17 और 18, 1.3 में है, 1.3 में 1, 3, 4, 5, 6 and 12, 1.4 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 12 and 15, और उसी तरह से अगर हम बात करेंगे एक्सरसाइज में, तो इसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं, तो सेक्शन बी में है 11, 16, 17, 18 और 27, और सेक्शन सी में है आपका 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 12 से लेके 17 तक है, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो है आपका 23 नंबर, राइट, 12 to 17 and 23 नंबर, ये है आपका चैप्टर नंबर वन का। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर टू में, तो चैप्टर नंबर टू में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है लेकिन बहुत इजी है। अब बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल जो है आपको वो 2, 3, 13 और 18 सॉल्व करना है, कौन सा 2, 3, 13 और 18, एक्सरसाइज में 2.1 की बात करते तो 1, 2, 4, 9 एंड 2.2 की बात करते तो 1, 2, 3, 4, 5, और आपका जो लास्ट में आपको एक्सरसाइज दिया रहता है सेक्शन वाइज, उसमें सेक्शन सी में 1, 4, 8, 9, 10, सेक्शन डी में 1, 2, 6, 8, 9 और सेक्शन ई में आपको सॉल्व करना है पांचवा नंबर, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर थ्री का, जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये वाला नॉर्मल, ये थोड़ा मेरा ड्रॉइंग खराब बन गया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बोलते हैं प्रमाण वितरण, और गुजराती का मुझे आइडिया नहीं है, शायद यही बोलते होंगे प्रमाण वितरण ही, लेकिन है चैप्टर काफी इजी, आपको लेस देन ग्रेटर देन के बारे में समझना है। हाँ अच्छा, इसका बेसिक सीखना है अगर आपको, देखो मैं पहले ही बता दे रहा, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया ये चैप्टर, लेकिन अगर आपको बेसिक देखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैप्टर का नाम रखा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको आराम से मिलेगा, 3 से 4 वीडियोस हैं, आपको इस चैप्टर का पूरा बेसिक कवर हो जाएगा, तो वो देख लेना अगर किसी बच्चों को भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब इसमें बात करते कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, इसमें मैंने आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कहाँ से लेके 10 से लेके 21 तक सारे सॉल्व करना, एक भी एग्जाम्पल मत छोड़ना, 10 से लेके 21 तक, ये आपको याद रखना है, 10 से लेके 21 तक सारे सॉल्व कर लेना, और वही नंबर मैंने यहाँ पर भी लिखा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया, आपको ये वाला नहीं बताया। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज की, यानी जो आपका लास्ट में सेक्शन ए बी सी डी ई करके दिया रहता है, उसमें सेक्शन सी में 7, 8, 9, 10, सेक्शन डी में 6 and 11, सेक्शन ई में 1, 4, 10, सेक्शन एफ में 1, 6, 7, 8, राइट, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस लगभग कवर कर लेते हैं, इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कवर हो जाएंगे, फिर एक या दो ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी रहेगी, ठीक है। ये बात करते हैं चैप्टर नंबर फोर की, तो चैप्टर नंबर फोर में है 1, 2, 3, 4, 6, 12, 17, 23 and 25, और एक्सरसाइज में बात करते हैं तो 4.1 में 4, 5, 6, 4.2 में क्वेश्चन वन का 2 and 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरा, ये तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज में सेक्शन डी और ई वाला, जो हमें सेक्शन वाइज दिया रहता है,
उसमें 4, 7, 9, 10, 1, 2, 6, 9, 10, 11 क्लियर है। ये आपका था चैप्टर नंबर 4। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 फुल एंड फाइनल वाला है, ये लास्ट है आपका। इसमें बात करते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सीरीज बनाया है। सीरीज क्यों बनाया है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारा 1, 2 ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये थोड़े फॉर्मूला बेस्ड वाले हैं। यानी कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बना है डिफरेंशिएशन में, उसका हिंदी में शायद हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इसका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 है जो आपका लास्ट चैप्टर है, डिफरेंशिएशन हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें जो फॉर्मूला बेस्ड 6 एग्जांपल्स है, मतलब प्रूव करने वाला, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा रहता है आपको, प्रूव दैट। तो ये सारे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना। उसके बाद बात करते हैं 17, 13, 20 एंड 24, उसके बाद 27 से लेके 35 तक ये है आपका थ्योरी वाला एग्जाम्पल, राइट। इसमें आपको थ्योरी में क्वेश्चंस लिखा रहेगा और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दो कैटेगरी आप बना लेना, ठीक है, ये एक और ये एक, ओके। ये बात करते हैं एक्सरसाइज में, तो 5.1 में सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, और जो आपका सेक्शन वाइज दिया हुआ है उसमें सेक्शन सी में 8, 10, 16, 19 एंड 20, सेक्शन डी में 2, 6, 8, 9, 12 एंड 20 की बात करते हैं सेक्शन ई और एफ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैंने ई और एफ को मैंने रेड लाइट कर दिया, रेड बना दिया है, और यहाँ पे लिखा दीज क्वेश्चंस आर कवर्ड इन 27 to 35, यानी ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवाया है ऑलरेडी इनके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर भी आप अपने आप को पावरफुल करने के लिए और मजबूत करने के लिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली इसको अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, यहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आप अपने आप को चेक कर सकते हो, ओके। तो ये चेक करने के लिए कि भाई आपने जो प्रैक्टिस की है क्या वो आपका अच्छे से हो पाया है या नहीं, उसके लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर इतना। तो ये है आपका स्टेट का पेपर पूरा, कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन के चांसेस हैं, वो सारी चीजें आपने उसमें आइडिया दे दिया है। पेपर की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरे लिए हेल्पफुल है, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, अगर मेरे लिए ऐसा थोड़ा भी आपको फील होता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली अपने दोस्तों का शेयर करके, एग्जाम टाइम है आप उनकी थोड़ी हेल्प करते हो, देखो कहते हैं ना, हम किसी की अगर हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलता है, कुछ नहीं तो इसी लालच में हमेशा दूसरों की हेल्प किया करो, ओके, क्लियर है इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। आने वाले वीडियोस में आपके लिए बहुत सारी चीजें सरप्राइज के तौर पे होंगी, तो वीडियो को देखते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, आपके जो भी मेरे पास चीजें हैं मैं वो आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।